मोबाइल लूट का आरोपी पकड़ा। उज्जैन के नागझिरी थाना क्षेत्र में बीती रात लगभग 8 बजे मोबाइल लूट की घटना के को पुलिस ने किया ट्रेस। एडिशनल SP रुपेश द्विवेदी ने बताया, इंजीनियरिंग कॉलेज रोड के किनारे शीतला माता मंदिर के पास पीड़ित राजवीर सिंह टहल रहा था। उस दौरान दो बदमाश एक्टिवा से आए और फरियादी का मोबाइल छीनकर भागने लगे। फरियादी ने हिम्मत दिखाकर आरोपियों का पीछा करते हुए पीड़ित राजवीर सिंह और उसके साथी ने एक आरोपी को स्वयं पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन एक आरोपी फरार हो गया है, जिसके बाद पीड़ित द्वारा आरोपी को नागझिरी थाने लाए और रिपोर्ट लिखवाई। वही पुलिस ने कुछ ही घंटों में फरार दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूट किया गया मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। मोबाइल की कीमत लगभग 12,000 रुपये बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी गौतम पिता राजेंद्र शर्मा, उम्र 24 साल, निवासी हरिनगर, अंगतपात रोड है। पुलिस ने 8 घंटे में पूरे मामले का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। मोबाइल चोर को पकड़ने में CSP रितु कैमरे, थाना प्रभारी संजय वर्मा, आरक्षक जीवन कटरिया आदि की भूमिका अहम रही। पीछा करते करते ये गए तो डी मार्ट में था, हमारा सामना हुआ, उसको रोकने की कोशिश की उन्होंने, वो नहीं रुकी, फरियादी की मोटरसाइकिल में लात मार दी। तो फरियादी जो है और प्रशांति धाम के आगे जाके वो अंदर एक रास्ता जाता है गांव की तरफ, उस रास्ते में जब गया तो वहाँ पर वो लड़खड़ा कर झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों में घुसने से दिखती जो कांटे वाटे थे उसको लग गए और वो स्कूटर में के साथ गिर गया। अहमद है, दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पहला आरोपी तो करीब मिल गया था, जो दूसरा आरोपी भाग गया था उसको भी पकड़ लिया गया है। जो पुलिस के द्वारा जो लूटा गया मोबाइल था वो भी नया पेश किया जा रहा है। एक आरोपी आज मेरा मैसेज भी है कि अगर कोई भी इस प्रकार की घटना करता है, चाहे वो मोबाइल स्नैचिंग, इसलिए हमने थाना नागझिरी क्षेत्र में कल एक मोबाइल लूट की घटना हुई थी, जिसमें रात को लगभग 8 बजे एक व्यक्ति जब सड़क पर जा रहा था उसी समय एक पीछे से स्कूटर सवार आए और पीछे से झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीनकर भागे। जो फरियादी था उसका घर पास में ही था, उसने तत्काल जो है मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया और उसके दोस्तों ने उसका पीछा किया और जो डीमार्ट है डीमार्ट के पास में उसने उसको रोकने की कोशिश की पर रुका नहीं, उसको पैर से उसको हैंडल पे लात मारी जिससे फरियादी गिर गया, लेकिन दूसरा साथी उसका पीछा करता रहा। प्रशांति धाम के आगे अंदर जो गली है खेतों की तरफ जाती है वहाँ पर वो घुस गया, जहाँ पर वो जाके एक झाड़ी से टकराकर गिर गया। तो वहाँ पर एक जो आरोपी था वही मौके पर पकड़ा गया और दूसरा आरोपी मौके से भाग गया था। आज दूसरे आरोपी को भी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और ये इस प्रकार से जो इस अपराध में खुलासा भी हुआ है और इसमें जो फरियादी है फरियादी की सजगता से एक वारदात में जो आरोपियों द्वारा घटना की गई थी पकड़े भी गए और एक अच्छा मैसेज भी गया कि अगर फरियादी इस प्रकार की घटनाओं में तो अलर्ट रहेंगे और अगर ऐसी कोई घटना होती है संभव हो सकता है पीछे करके उसको पकड़ने की, तो इस प्रकार के आरोपियों को इस प्रकार की वारदात करने में संकोच भी होगा और डिस्करेज होंगे।